जी सुनील जी बताइए, शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में भाई अतुल चौहान के साथ में मिलकर हम सब ने एक भव्य शोभ यात्रा का कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूरे शहर के आसपास के गांव से पूरे साथी इकट्ठे हुए थे, युवा साथी इकट्ठे होकर के एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। और इस शोभा यात्रा से हमारी जो समाज को एक प्रेरणा मिलती है कि वे जो हमारे शहीद थे उन्होंने हमारे लिए क्या बलिदान दिया था, और हम सब उनकी याद में एकजुट होते हैं। क्या मैसेज है युवा पीढ़ी को? मेरा एक तो मैसेज ये है सर, जो सरकार से निवेदन है हमारा कि जो हमारा ये शहीदी स्मारक बना हुआ है यहाँ पे एक शहीदी स्मारक के ऊपर एग्जीबिशन लगाना चाहिए, जिसके अंदर सभी शहीदों के यहाँ पे प्रतिमाएं स्थापित की जानी चाहिए और उनकी जो जीवन रहा उसके बारे में यहाँ पे लोगों को दर्शाना चाहिए एक एग्जीबिशन के माध्यम से, ताकि लोगों को पता लगे कि वे उन्होंने कैसे हमारे जो आज़ादी के लिए बलिदान दिया है, अपने परिवारों को कुर्बान किया है। और इसी कड़ी में हमें आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी संदेश देना चाहूँगा कि भी जो ये आज़ादी में सांस ले रहे हैं ये ऐसे ही नहीं ले रहे हैं, ये बहुत ही सरों को बलिदानों के बाद में हमें आज़ादी मिली है, और उनको याद रखें, भूला ना जाए। क्या नाम है? सुनील राजवंशी जी। नमस्कार, आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, पूरी जींद के युवा वर्ग, हमारे किसान साथी भी आए और पूरे युवा साथी आए। आज शहीदी दिवस था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर, हम उनकी याद में आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं शहीदी दिवस पर। और हमें एक बड़े शर्म की बात, हमारे में आज हमारे स्टैचू नहीं है यहाँ भगत सिंह का, पूरे जींद के अंदर। हम ये मांग करते हैं हमारे जो शहीद हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनके यहाँ स्टैचू लगने चाहिए, आने वाले हमारे युवा उनको याद करें, उनका अनुसरण करें। हम ये मांग करते हैं पुरजोर से, इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे अगर सरकार नहीं मानती तो। स्टैचू के लिए हम सब जींद के युवा ये आवाज़ उठाएंगे। क्या नाम है? शमशेर सिंह ढांडा, भारतीय किसान मजदूर उत्थान प्रदेश अध्यक्ष। भाई आज भगत सिंह की शहीदी थी, आज हमने इसका फूल फल चढ़ाए हैं और आज यहाँ भगत सिंह की शहीदी मनाई है, जो बॉर्डर पर धरने से किसाना के शंभू बॉर्डर पर, खलोरी बॉर्डर पर सारा शहीदी मनाई है, सारा भारत में मनाई है। आज जो इन हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी थी, आज इनका सारा देश इनका मतलब फूल चढ़ा कर। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुदेश कंडेला है, ताई कंडेला का नाम तो जाना है। जय हो, नंबर लीजिए उसी लिए। जी बताइए पूनम जी। शहीदी दिवस के अवसर पर सभी को बधाई, जो हमारे मतलब देशभक्ता ने शहीद हुए हैं, अपना मतलब बलिदान दिया है और उसी के उसमें हम सांस ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो बलिदान दे दिया, लेकिन आज अच्छी तरह आज भी हम सांस नहीं ले रहे, आज भी हम गुलाम में हैं। ये देखो ना, इस सरकार ने कितना बुरा हाल कर रखा है, पहले वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। मैडम शहीदी पे बोलो, राजनीतिक बात ना। हाँ फिर इसमें ये तो है, शहीद हुए हैं जी जी, पहले तो उन मतलब अपना देश आजाद कराने खातिर उनके साथ लड़ाई लड़नी पड़ी, ये भी काले के साथ लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आज भी हमारे देश भगत भाई हैं, जो साढ़े सात सौ पहले शहीद हुए थे, एक सुकर्ण भाई अब शहीद हो गया, तो हम ये पूछना चाहूँ समाज तक कि हम अपने भाइयों की स्त्री बलिदान करते रहेंगे कि देशभक्त ऐसे ही शहीद होते रहेंगे कि उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, घर मारे उजड़ रहे हैं। नु देखो जाकर जिनके घर में एक बेटा होगा शहीद होगा, तो उनका घर परिवार किस तरह चलता होगा, ये सोचना चाहिए सरकार। क्या नाम आपका? पूनम चौधरी।